आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशन बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। तो देखते हैं हम इन प्रोपोजिशन का यूज़ किन किन कंडीशन में करते हैं। पहले हम बात करते हैं बिसाइड की। बिसाइड का अर्थ होता है एट द साइड ऑफ, यानी कि के बगल में या के पास या के बाजू में। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही वाज सिटिंग, वह बैठा हुआ था बिसाइड रमेश, मतलब रमेश के बगल में, रमेश के बाजू में। तो हमने के बगल में के अर्थ में यहाँ पे काय का यूज़ किया, बिसाइड का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था बिसाइड हिज फादर, उसके पिताजी के बगल में। तो यहाँ पे के बगल में के अर्थ में हमने काय का यूज़ किया, बिसाइड का। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज ए टेम्पल, एक मंदिर है बिसाइड द स्कूल, स्कूल के बगल में, उसके बाजू में। तो यहाँ पे के बगल में या के बाजू के अर्थ में हमने काय का यूज़ किया, बिसाइड का। अब हम बात करते हैं बिसाइड्स की, जिसमें एस लगा हुआ है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू या एज वेल एज, यानी कि के अलावा, एक चीज़ के अलावा कोई और दूसरी चीज़ है, तब हम के अलावा के अर्थ में बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसको याद रखने का ये तरीका है कि बिसाइड के अलावा इसमें एस लगा हुआ है, तो यहाँ इससे हम एस अलावा लगा हुआ है तो हम इससे क्या सेंस निकाल लेंगे, के अलावा। ये एक याद रखने का तरीका है। तो सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ ए मोटरसाइकिल, उसके पास एक मोटरसाइकिल है। बिसाइड्स ए कार, कार के अलावा। तो यहाँ हमने बिसाइड्स का यूज़ किया, उसमें क्या है, एस वाला बिसाइड्स, जिसके साथ एस है, बिसाइड्स। ही हैज़ ए मोटरसाइकिल बिसाइड्स ए कार, उसके पास, यानी कि उसके पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है। ही हैज़ ए मोटरसाइकिल बिसाइड्स ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है बिसाइड्स फुटबॉल, फुटबॉल के अलावा, यानी वो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है बिसाइड्स फुटबॉल, फुटबॉल के अलावा। इस सेंटेंस को बिसाइड्स का यूज़ पहले करके भी लिखा जा सकता है, जैसे बिसाइड्स फुटबॉल फिर कामा ही प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है बिसाइड्स दिस, मतलब इसके अलावा, आई हैव वन मोर बेड, मेरे पास एक और बेड है, मतलब मेरे पास ये बेड तो है और इसके अलावा एक और बेड है। तो इस कंडीशन में हमने बिसाइड्स का यूज़ किया। इस प्रकार हम बिसाइड्स का यूज़ सेंटेंस में पहले करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।